ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की पुष्टि हो गई है। तीसरे दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्षकारों ने बाहर आकर इसके संकेत दिए थे। ताजा खबर ये है कि अब कोर्ट की तरफ से भी इसकी पुष्टि हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की अपील पर कोर्ट ने जिला कलेक्टर और CRPF को ज्ञानवापी मस्जिद का वो स्थान सुरक्षित करने को कहा है जहां पर शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने माना है कि वहां शिवलिंग मिला है, ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसलिए इस स्थान की सुरक्षा की जाए। उस स्थान को कवर कर लिया जाएगा, वहां कोई नहीं जा पाएगा। वहां अभी सिर्फ 20 मुस्लिम ही नमाज के लिए जा पाएंगे। सोमवार को सर्वे का तीसरा दिन था जहां अब रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी। वाराणसी की जिला अदालत ने इसके लिए 17 मई तक का समय दिया था। वहीं 3 दिन सर्वे की वीडियोग्राफी की गई है। इसकी रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर तैयार करेंगे जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे। इसी बीच सर्वे टीम का हिस्सा सोहनलाल आर्य ने बड़ा बयान दिया। कोर्ट में केस होने के कारण उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना संकेत जरूर दिया है कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए हैं। यानी ये साफ है कि मस्जिद में मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। वहीं इस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की है। इसके पहले रविवार को दूसरे दिन का सर्वे हुआ। शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सर्वे हुआ। वहीं अब इस मामले में आगे वाराणसी की जिला अदालत में 17 मई को सुनवाई की जाएगी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जिस सर्वे को रोकने की याचिका लगाई गई थी वो काम पूरा हो गया है और ऐसे में ये सुनवाई होगी या नहीं इस पर सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रविवार को एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई सुबह ठीक 8 बजे शुरू हुई और उस समय तक धूप तीखी हो चुकी थी। गर्मी ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मस्जिद परिसर के खुले हिस्से और गुंबद के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना तय हुआ। इबादत की जगह पर सभी लोग नंगे पैर दाखिल हुए। वहीं गुंबद के अंदर की संरचना को ज्यादा से ज्यादा करीब से देखने की कोशिश थी। सीढ़ी सक्रिय होती चली गई और ऊपर सांस लेना भी मुश्किल था। चर्चा रही कि गुंबद की बनावट हर किसी को चौंका रही थी, इसलिए हर कोई उसे देखना चाहता था। इसमें कई महत्वपूर्ण तत्व सामने आए हैं। दीवारों पर और सीलिंग पर बनी कई आकृतियां ऐसी थी जो मंदिर पक्ष के वकीलों को रुककर उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए मजबूर कर रही थी। दीवारों और खंभों पर खास नजर रखी गई। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ रही थी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। यहां 100 से अधिक फोटो खींचे गए, वीडियोग्राफी भी लंबे समय तक चली। इसके बाद पूरी टीम एक बार फिर तहखाने की ओर चल पड़ी। टीम परिसर में मौजूद तालाब के पास भी गई जहां एक पक्ष चाहता था कि पूरा पानी निकालकर तालाब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग एडवोकेट कमिश्नर की नाराजगी का शिकार भी हुए। उन्हें कुछ वक्त के लिए कार्रवाई से दूर कर दिया गया। तय समय दोपहर 12 बजे कार्रवाई बंद कर दी गई। बस हो गया, इसी में छिपा हुआ है। थोड़ा खुल के बताइए क्या पिला, क्या माया? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, क्या मिला? बस हो गए। और जो इतिहासकार ने लिखा था, जो तस्वीरें और जो तमाम जो ये इतिहास में वर्णित है, बाबा का शिवलिंग लेकर कूद गया था, क्या वही शिवलिंग मिला? सोहनलाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? सोहनलाल जी जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए? सोहनलाल जी मिला क्या? सोहनलाल जी प्रतिवादी पक्ष कह रहा है सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोला ये है कि जो सोचा फिर अगली बार हम जो कहते जो सोचा या तो उससे ज्यादा पड़ा। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया मस्जिद घोषित हो गया, उस समय कैसा क्या बताए लोग लगे। आज मिला सोहन, आप जाएंगे।